एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस की तरह ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी पार्टनर्स जो है ना अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है करण और प्रज्ञा का, तो इस फॉर्म में कोई नया पार्टनर नहीं आएगा बल्कि करण और प्रज्ञा अपना रेशो चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी लगेगी मानो एडमिशन का क्वेश्चन हो, पर वो एडमिशन का होगा नहीं। तो अब अपन ये वीडियो और अगला वीडियो इस पे बनाएंगे कि पार्टनर्स अगर अपना रेशो चेंज कर लें तो हमें क्या करना हो। देखिएगा, जरूरत पड़ी तो एक और बना लेंगे। करण एंड प्रज्ञा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ये इसीलिए आपको जो 15 मिनट एग्जाम में मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसका बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। तो 2:3 था। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन मार्च इज गिवन बिलो। ये अच्छी सी बैलेंस शीट दे रखी है। बिल रिसीवेबल, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर, बिल पेबल, एक भी फालतू आइटम नहीं है, सब बढ़िया से बढ़िया आइटम भरे हुए हैं। मतलब आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। आगे, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वल रेशो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इन्होंने कहा बस बहुत हुआ, अब हमारा रेशो 1:1 होगा। ऐसे अंदाजा लगाएं कि ये बात करण ने कही होगी या प्रज्ञा ने कही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये बात करण ने कही होगी क्योंकि करण का रेशो कम था। तो करण ने बोला नहीं नहीं जब अपन काम मिलकर बराबर करते हैं तो रेशो इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो आप ये देख लो कि इन क्वेश्चनों में कंपलसरीली आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होगा। ठीक है, कि पार्टनर्स की पहली पोजीशन क्या थी और पार्टनर्स ने चेंज क्या कर ली, और आपको हमेशा की तरह अपना सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं बात करूँ के करण की, तो करण का ओल्ड रेशो था 2:5 और नया रेशो है 1:2। 5 और 2 की एलसीएम 10 होती है। 5 का भाग 10 में 2 बार जाता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 5 10, ये आया है -1/10। अब आप गौर कीजिए फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने सेक्रीफाइस का, रिजल्ट किस में आया माइनस में। इधर लिखा मैंने IE अर्थात गेन, यानी हमने तो देखा इसने सेक्रीफाइस किया होगा पर इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो इसको क्या हुआ है बेटा, गेन हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का पुराना जो अनुपात है ओल्ड रेशो दैट इज 3:5 और जो न्यू रेशो है दैट इज 1:2। 5 और 2 की एलसीएम 10 हो गई और 5 दूनी 10 होती है 6, 2 5 10, इसने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। तो मैं कह दूं कि प्रज्ञा ने इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस किया है और करण को इसमें गेन हुआ है। आपको कोड याद रखना है, कोड होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। गेन करने वाले पार्टनर को डेबिट करो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है उसे क्रेडिट करो। अब ये रूल कहाँ काम आएगा आप डेफिनेट जानना चाहोगे, रूल कहाँ काम आएगा, मैं जस्ट 5 मिनट बाद इसको काम लूँगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इनका रेशो इक्वल होगा, इतना सुनते ही हम सब शुरू हो गए, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस तारीख, अब से इनका रेशो ये होगा। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन, ये एडजस्टमेंट करने पे वो राजी हैं। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 16 लाख रुपए एंड मशीनरी एट 16,40,000 रुपए एंड वर टू बी अपीयर एट रिवैल्यूड अमाउंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, इन्होंने दो बातें बोली है। पहली कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 16 लाख होगी और इसे बैलेंस शीट में आप 16 लाख पे दिखाया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये अलग से बोलने की क्या जरूरत है, इन क्वेश्चनों में ये बात वो अलग से बोलेगा। क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग 16 लाख होगा और बैलेंस शीट में भी उसे रिवैल्यूड अमाउंट यानी 16 लाख पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे है बेटा 10 लाख और इन्होंने कहा कि 16 लाख। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। इसी तरह इन्होंने मशीन को कहा कि मशीन 16,40,000 की मानी जाएगी और उसे भी रिवैल्यूड अमाउंट पे दिखाया जाएगा। इस पे आते हैं अपन। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000 बट इट वाज नॉट टू अपीयर इन बुक्स। इसी तरह फर्म की गुडविल 80,000 मानी जाएगी लेकिन इसे बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। अब मुझे एकदम से चक्कर आ रहे हैं कि मैं करूँ क्या इसमें। तो फिलहाल इसने बोला परेशान मत हो भाई साहब, आप तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। सबसे बढ़िया जो अच्छा सा चीज़ मुझे लगती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। मैंने कहा वारे यार चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्ट फेवरेट, बिल्कुल आसान सा। पहली बात ये कि इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को माना 16 लाख
यहाँ कितना है 10 लाख, इन्होंने कितना माना 16 लाख, कितना बढ़ गया 6 लाख प्रॉफिट है। आप CR में जाओ और CR में जाके बेटा आप लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जाओ और जाके आप आराम से वहाँ पे 6 लाख लिख दो, ठीक है ओके। साथ के साथ मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पे, इधर बैलेंस शीट के अंदर आप आओ और इस बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को अब आप 16 लाख रुपए में दिखाओ, 10 लाख वो पहले थी, 6 लाख बढ़ गई, 16 लाख हो गई। और सुनिए, इसी तरह इन्होंने कहा कि मशीन को 16 लाख 40 हज़ार माना जाए जबकि मशीन यहाँ 18 लाख 40 हज़ार है, तो 2 लाख का लॉस हो गया क्योंकि मशीन का भाव गिर गया, तो यहाँ 2 लाख का लॉस हो गया। यहाँ मैंने लिखा मशीन, ठीक है। अब ये 6 लाख, हाँ एक बात पहले, ये जो मशीन है उसे आप उसकी नई वैल्यू पे पहुंचा दो ताकि फिर आप भूल ना जाओ 16 लाख 40 हज़ार। गौर कीजिए, यहाँ 6 लाख है, यहाँ 2 लाख है, यहाँ 4 लाख का गैप है, ओके 4 लाख का गैप है। ये जो गैप है ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, हमने हमेशा से यही बोला है कि रिवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट रहेगा वो ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में जाएगा। अब हालांकि ये बात भी मज़ेदार है कि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स भी ये हैं और नए न्यू पार्टनर्स भी ये हैं, तो आपको ओल्ड पार्टनर्स का मतलब करण और प्रज्ञा, जबकि इनका रेशो हुआ करता था 2:3, ठीक है। तो 4 लाख 4 लाख इंटू 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000 और 2,40,000। और मेरे मतलब की एक एंट्री बन गई, ये मैं भूलूंगा नहीं, एंट्री का नतीजा जरूर निकालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू करण और प्रज्ञा, तो हम नतीजा जरूर निकालेंगे। 4 लाख रुपए का ये जो प्रॉफिट है ये के और पी के अकाउंट में जाएगा 160,000 and 240,000। चलिए किसा ख़त्म हो गया क्या? नहीं, ये तो तुमने अभी रिवैल्यूएशन किया। और सुन लो, इन्होंने कहा कि फर्म की गुडविल 80,000 मानी जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई नया पार्टनर तो आएगा नहीं, नया पार्टनर आएगा नहीं तो आपको क्या करना है, पहले 80,000 लिखना है, ठीक है। 80,000 में से सेक्रीफाइस देखना है 1/10, 80,000 का 1/10 होता है 8,000, आपको एक 8,000 की एंट्री बनानी है जिसका कोड मैंने बताया था कि जो सेक्रीफाइस करेगा जैसे प्रज्ञा, तो प्रज्ञा मैडम को तो करो CR, प्रज्ञा मैडम को तो करो CR, और गेन किसने किया? करण बाबू ने, तो करण भाई साहब को करो DR। तो एक खतरनाक सी एंट्री बनी, करण कैपिटल टू प्रज्ञा कैपिटल। आज और अगले दो वीडियो में जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो बार बार यही होगी कि एक पार्टनर का नाम क्रेडिट होगा, एक पार्टनर का नाम डेबिट होगा, और वो कौन होंगे? जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा और जिसको गेन हुआ है वो हो जाएगा डेबिट। लॉजिक भी बताऊँगा बाद में, अभी नहीं। ये 8,000, अभी तो आप क्वेश्चन को होता हुआ देखो। अब सारी फील्डिंग जम गई है और अब अपन करेंगे ये कि अपन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर थे, हैविंग नेम करण एंड प्रज्ञा, और ये करण और प्रज्ञा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले ये जो कैपिटल आपको दे रखी है, हम हमेशा से जानते हो कि ये जो लायबिलिटी साइड होती है उसका CR नेचर होता है बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 16 लाख और 24 लाख, ये आ गया। इसके बाद तुमने रिवैल्यूएशन की एंट्री की थी, एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की लोकेशन क्या है? CR है, तो CR में जाके लिखना था बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा करो 1,60,000, 2,40,000। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात, इस एंट्री में, गुडविल वाली एंट्री में करण है डेबिट, देखो करण डेबिट, और करण डेबिट किसकी वजह से? प्रज्ञा की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रज्ञा कैपिटल। और इसी तरह से प्रज्ञा क्या है? क्रेडिट, प्रज्ञा क्रेडिट, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री अपन छोटी क्लासेस में सीखते थे कैश बुक के अंदर,
तो ये वही वाली कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट दिशा में जाना, और दूसरा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट दिशा में जाना। अब यहाँ पे आपका जोड़ हो गया 17,60,000 और 8,000 हटाने के बाद 17,52,000। आज के दिन 17,52,000 यहाँ लिखा बेटा मैंने करंट कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान दीजिए 17,52,000। और बात करें प्रज्ञा की तो 24 और 2 16 40 16 48, इधर का जोड़ है 16 48, इधर आ गया 16 48 और ये आ गया आपका 16 48। इसके अलावा आप जानते हैं बातें कि जैसे बी आर में नो एडजस्टमेंट, तो बी आर को आप कॉपी करो। इसी तरह से स्टॉक में नो एडजस्टमेंट, तो स्टॉक को आप कॉपी करो। इधर से क्रेडिटर बीपी नो एडजस्टमेंट कॉपी, क्रेडिटर की अमाउंट है 6,20,000 और बीपी का अमाउंट है 1,80,000। सारा क्वेश्चन हो गया है, टोटल लगा देते हैं 6, 7, 8, 8 और 1 9, 9 और 17 26, 26 और 16 42। तो यहाँ पे टोटल 42 लाख आया है, 16 और 3 19 20 और 16 36 और 16 52, यहाँ 52 लाख है। वापस चेक करें 17 और 16 33 39 40, यहाँ 42 हो रहा है, 16 16 32 16 48। ओके, तो अपने से क्या मिस्टेक हुई है, मिस्टेक मुझे दिखाई दी, यहाँ पे जो टोटल था वो 24 और 2 26 26 48 था, ये 26 48 था, तो ये 26 48 आएगा और यहाँ पे 26 48 दिखाई देगा और बैलेंस शीट का साइज आएगा 52 लाख। सो अल्टीमेटली बैलेंस शीट का साइज आएगा 52 लाख। अब आप समरी सुन लीजिए क्या किया आपने। पहला हाईलाइट ये है कि ये क्वेश्चन न्यू एडमिशन का नहीं है, ये क्वेश्चन रेशो चेंज का है। दूसरी बात, इन क्वेश्चनों में गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा आएगा। तरीका, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करो और गेन करने वाले को डेबिट करो। तीसरा, अगर ये असेट का रिवैल्यूएशन बोलेगा तो उसमें दो तरह की लैंग्वेज पॉसिबल है। आज का क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज का है कि इसने कहा लैंड एंड बिल्डिंग को चेंज करो, मशीन को चेंज करो, और हमने वही किया और हम हमेशा करते आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये तीन हाईलाइट थे, इन तीनों को करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, एक बार फिर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे। आशीष, आकाश, अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अच्छा खासा उनका इक्वल रेशियो होता था। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। तो ये जो पहले इनका था रेशियो वो है ओल्ड रेशियो, और इन्होंने जो डिसाइड किया है वो है न्यू रेशियो। और इसके बाद धमाधम या एडजस्टमेंट बोलना शुरू हो गया। पहले इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये इनकी बैलेंस शीट है जो नीचे की तरफ प्रिंट हो रखी है। बैलेंस शीट में कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर है, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लास्ट आइटम में ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आपने भी देखो इतनी बैलेंस शीट देखी होंगी, आपको देखते ही आइटम अजीब सी लगेगी। ये पैसा क्या था? ये पैसा हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया था। कोई जो होशियार बच्चा होगा वो डेफिनेट बोलेगा कि सर अगर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हुआ था तो ये अकाउंट तो P&L में चला गया होगा। बिल्कुल चला गया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने 12,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, मान लो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, 12,000 आपने खर्च किया और आपने P&L में 6,000 ही डाला, आपने ये सोच के कि भाई इस खर्चे का बेनिफिट 2 साल मिलेगा, और आपने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया और आपने 12,000 में से 6,000 तो डाल दिया P&L में, तो बाकी का 6,000 रुपया दिखाई देगा बैलेंस शीट में। ऑल आई वॉन्ट टू से, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये बैलेंस शीट में दिख रहा है असेट की तरफ, पर ये रियल में असेट नहीं है, तो फिर ये फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस मतलब झूठ मूठ का, हमें दिख रहा है लेकिन ये रियल में असेट्स नहीं है। कुल मिला के इस 6,000 रुपये मेरी तिरछी नज़र रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, यानी यहाँ से जनरल रिजर्व काम की आइटम है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस, वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएट, PBD बनाना है। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। लास्ट पॉइंट अच्छा है, आकाश को हमने कहा भाई देख ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, कोई पार्टनर आता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन,
कोई पार्टनर जाता है, डेथ हो जाती है या वैसे ही चला जाता है तो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और अगर पार्टनर अपना रेशो चेंज कर लेते हैं तो भी होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन। इस पुनर्गठन की जिम्मेदारी आकाश को दी गई और इस बात का उसको 10,000 रुपये मेहनताना दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताना पारिश्रमिक। लास्ट में तो हमसे चाहता गया है पास नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव, अब आप उसको एंट्री करो। अब ये क्वेश्चन एडमिशन का नहीं है, फिर भी ये पूरा का पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे एडमिशन का होता है। जैसे जैसे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, और मैं तो यही कहूँगा, आप बार बार सुन के बोर हो गए होंगे, कि इसका डेबिट नेचर है, ये जहाँ पे प्रिंट हो रखा है ना उस हिसाब से इसका डेबिट नेचर है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को तो करूँगा सी आर, एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट रुकना, ओके तो सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को जैसे अपन राइट ऑफ करेंगे तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो आएगा नीचे। आपको अकाउंटेंसी में क्या पता होना चाहिए कि कोई अकाउंट ऊपर आएगा या नीचे आएगा, और वो विद रूल पता होना चाहिए। इसीलिए एक दो बार रूल पक्का सीख लो, फिर बार बार आराम हो जाता है। ये 6,000 रुपये है और पार्टनर्स के जो नाम है इस पूरे क्वेश्चन में वो वही रहेंगे, जैसे आशीष है, आकाश है और अमित है, और इनके आगे कैपिटल आ जाएगा, आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल, ये अपना आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखो इनका पहले रेशो क्या था, इक्वल, तो आपको इक्वल रेशो ही फॉलो करना है। और इन्होंने सर वो इन्होंने तो रेशो चेंज कर लिया ना, रेशो चेंज किया है अब से, ये तो पुराना माल है, ये तो पुरानी बैलेंस शीट है, इसे आप पुराने रेशो में राइट ऑफ करोगे। यही एक गलती है अगर जो पढ़ के जाता है और नहीं पढ़ के जाता, ये पुराना मैटर आपको पुराने रेशो में सॉल्व करना है। इसी तरह जनरल रिजर्व, आप अच्छे से जानते हैं कि इसका सी आर नेचर होता है, और मैं इसको अब डी आर करने वाला हूँ, जनरल रिजर्व को मैं डी आर करने वाला हूँ, और पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे जैसे आशीष, आकाश, अमित, इस तरह से आ जाएंगे। और यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है वो है 90,000 की, और इस 90,000 को 111 में अपन मार देंगे 30 30 30। ठीक है बेटा, सिंपल है, लोड मत लो, आराम से आ जाएगा समझ में। और ये ओल्ड रेशो लगेगा 1:1:1 है ना। अब वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। अब अपन एक बार इस पे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें लिखा है स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस किया जाए, 1,25,000 से रिड्यूस किया जाए या 1,25,000 तक पहुंचाया जाए, ये दो अलग लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन में जैसे आप स्टॉक देखिए, स्टॉक अभी हो रहा है 1.40, अभी राइट नाउ स्टॉक है 1.40। इनकी लैंग्वेज है कि इसे 1.25 तक पहुंचाया जाए। कि सर तक का आवाज कहां से आती है, टू शब्द से। देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू को टू बी रिड्यूस, रिड्यूस किया जाए कहां तक, 1,25,000 तक। तो आपको यहां 15,000 स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना है, इससे आपको लॉस होगा, लॉस होने पे रिवैल्यूएशन डीआर होता है। आपने पहले रिवैल्यूएशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देखिएगा, उसमें अपन ने पूरा वीडियो रिवैल्यूएशन पर बात की है। फिर भी बोल देता हूँ, स्टॉक असेट है, असेट की वैल्यू गिर गई है, आपको नुकसान होगा 15,000 का, एंट्री पास करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज ही मांगी है। वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%, मशीन की वैल्यू को 10% से, यहां पे बाय वर्ड होता है, इसकी आवाज आती है से, इसकी आवाज आती है तक। मशीन की वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में है बेटा 2,50,000 की, और 2,50,000 का आपका जो 10% होता है वो होता है 25,000, और 25,000 से क्या करना है, कंफर्म कर लिया करो, डिक्रीज करना है। मशीन को डिक्रीज करोगे तो नुकसान होगा, नुकसान लॉस रिवैल्यूएशन डीआर करना है, रिवैल्यूएशन डीआर टू मशीन, रिवॉल्यूशन डी आर टू मशीन, और यहाँ पे आपको 25,000 का लॉस होगा। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 62,000 से, जहाँ पे भी बाय वन आए तो आपको उसमें से पढ़िए, तो आपको सिंपल समझ में आएगा कि 62,000 से इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, रिवेल्यूएशन आएगा सी आर, और लैंड एंड बिल्डिंग आएगा ऊपर, तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन आंसर लगेगा। और सुनेगा, पीबीडी टू बी मेड बनाया जाए कितना परसेंट, 5% किस पे, डेटर्स पे। तो डेटर्स हैं 80,000,
80,000 का 5% होता है 4,000, 4,000 का प्रोविजन बनाओगे मतलब रिस्क है, रिस्क है मतलब नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन, बोर्ड पे देखिए रिवैल्यूएशन टू PBD, आपको 4,000 का नुकसान होगा, आप उसकी एंट्री करेंगे। लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा और नया पॉइंट, हमने आकाश को कहा कि भाई देख तू हम में समझदार है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी तेरी है और हम तुझे 10,000 रुपये देंगे। सोचो आकाश कोई बाहर का आदमी होता और हम उसे पैसे देते, हम उसे पैसे देते तो हमारा कैश जाता और ये जो एक्सपेंस होता वो हम रिवैल्यूएशन पे चार्ज करते। 10,000 खर्चा हो गया, 10,000 का लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते और हम 10,000 निकाल के उसको देते, लेकिन ये कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आकाश के अकाउंट में जाएगा जहाँ से अपन ने अकाउंटेंसी शुरू की थी, बेसिक पार्टनरशिप से। अब बेसिक पार्टनरशिप में जाइए, वहाँ कभी भी पार्टनर को जो सैलरी या इंटरेस्ट या कुछ भी मिलना होता है वो उसके अकाउंट में चला जाता है, तो इस तरह से उसके अकाउंट में चला जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इवन क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी मांगी गई है तो भी आपको रिवैल्यूएशन का नतीजा निकालना ही है, भले आप वर्किंग नोट के अंदर छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, लेकिन आपको वो जो इम्पॉर्टेंट एंट्री है वो निकालनी ही है। जैसे मैं जल्दी जल्दी अगर आपको बताऊं तो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन DR हुआ, तो DR दिशा में जाके आपने लिख दिया टू स्टॉक, भले छोटा ही लिख दो क्योंकि मेन में तो मांगा नहीं है, वर्किंग नोट मांगा है। रिवैल्यूएशन DR हुआ तो DR में जाके लिख दो टू मशीन, आ जाएगा, निकाल लेंगे, कर लेंगे, इस तरह की बातें मत करो, कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग तो रिवैल्यूएशन CR में है तो CR में जाके आपको 62,000 लिखना है। इसके बाद रिवैल्यूएशन के DR में 2 PBD, तो रिवैल्यूएशन के DR में 2 PBD। अब आप देखिए, और लास्ट रिवैल्यूएशन के DR में 2 आकाश, तो 2 आकाश, तो 15, 40, 50, 54। अब यहाँ हो रहा है बेटा 54 और यहाँ हो रहा है 62, तो 8,000 की गैप है, 8,000 की गैप है, तो ये किस में जाएगी? सब जानते हैं पार्टनर्स में जाएगी, लेकिन आप बोलिएगा ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी। जैसे ही आप ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं तो आपके दिमाग में ओल्ड रेशो आ जाएगा, ओल्ड रेशो 111 है, तो 8,000 के टुकड़े करोगे तो आपके आएंगे 2,666, 2,667, 2,667। और यहाँ से एंट्री कैरी करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 2 आशीष, 2 आकाश, 2 अमित, कैपिटल लिखना ही है, 8,000 का नतीजा था 2,667। चलिए अब जो मिनट इस क्वेश्चन को बात सुनिएगा, आपको लगेगा इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था, समरी, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एडमिशन का नहीं था, ये क्वेश्चन रेशियो चेंज का था। पुरानी बैलेंस शीट में 2 आइटम्स थी, ऑब्जेक्शनेबल या कहें एडजस्टेबल, बेटर वर्ड इज एडजस्टेबल। एक था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक्सपेंस है जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो ये फिक्टिशियस है, इसे ख़त्म करना है, जनरल रिजर्व है। इस तरह रेशियो चेंज वाले क्वेश्चनों में जनरल रिजर्व की 2 तरह की लैंग्वेज होती है, हो सकती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम जनरल रिजर्व के साथ जो हाल करते हो वही करो। क्या करते हो तुम जनरल रिजर्व के साथ? देखते ही उसको गोली मार देते हो, तो आप जनरल रिजर्व को देखते ही गोली मार दो। एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है, वो कल अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आप मिस मत कीजिएगा, उसके अंदर आपको नचा के रख देगा ये क्वेश्चन। अभी तो आप बैठे रहो, नाचो मत, अगले बार नाचना। ये जनरल रिजर्व है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिवैल्यूएशन के जो जो ये एडजस्टमेंट बोलेगा ये तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी वाली बात है, वो हमने चारों पांचों एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है। एक इसमें नया एडजस्टमेंट था जहां पार्टनर ने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, मुझे 10,000 दे देना, तो 10,000 उसके अकाउंट में डाल देना, ठीक है। ये सब करने से आएगा, सुनने से नहीं, करने से आएगा। और इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता था, अगर ये क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू देता, मान लो ये गुडविल की वैल्यू देता, तो मैं तुम्हें बोलता कि देखो बेटा, जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है उसको तो तुम करो क्रेडिट, और जिस बंदे ने गेन किया है उसको तुम करो डेबिट, ठीक है, ओके। एक जल्दी से मैं बात बताता हूँ, 111 का मतलब होता है 33.33% और 33.33%, और 221 का मतलब होता है 40%, 40%, 20%। व्हाट इट मींस,
पहले बंदे का रेशो 6.66% बढ़ गया, गेनिंग, पहला बंदा गेनिंग है, दूसरा बंदा 6.66%, ये बंदा भी गेनिंग है, और तीसरा बंदा 13.33% डाउन, ये बंदा सेक्रीफाइसिंग है। यानी अगर ये मैंने क्या किया, मैंने बिना क्वेश्चन को रेशियो अप्लाई किए परसेंटेज की मदद से, किसी किसी के समझ आएगा, सबको समझने की जरूरत नहीं है, पर कि परसेंटेज की मदद से मैंने रेशियो बना दिया, जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, जैसे इस कहानी में अमित है, तो अमित इज द सेक्रीफाइसिंग पर्सन, एंड जो पहले दोनों कबूतर हैं जिनके नाम आशीष और आकाश हैं, दे आर द गेनिंग पर्सन। चलिए अभी के लिए बहुत रहेगा।